भीषण गर्मी में लगने वाली भूख प्यास भी रोजेदारों के जज्बे को कमजोर नहीं कर पा रही। शहर में छोटे बच्चे भी रोजे रखकर खुदा को राजी करने में लगे हुए हैं। खास बात यह है कि ये बच्चे बाकायदा बड़ों की तरह सहरी में उठते हैं, अलग अलग नमाजें अदा करने के साथ साथ दूसरी इबादतों पर भी खास ध्यान देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर 88 वर्षीय बुजुर्ग भी कमजोर सेहत के बावजूद रोजे रखने में पीछे नहीं है। हालांकि इस्लाम के मुताबिक छोटे बच्चों को उम्र दराज कमजोर बुजुर्गों को रोजों में रियायत भी दी गई है, लेकिन इनके हौसलों के आगे उम्र की कमजोरी दुलसा देने वाली गर्मी समेत सभी परेशानियां दम तोड़ती नजर आ रही है। देश में अमन चैन के लिए भी रोजेदार खास तौर से दुआएं कर रहे हैं। शहर के मोहल्ला चजारान के निवासी रसूल बख्श चजारा जब से बालिग हुए हैं तब से नमाज पढ़ रहे हैं तथा रोजा भी रख रहे हैं और मस्जिद में अजान भी दे रहे हैं और पवित्र पुस्तक कुरान की तिलावत वाचन भी कर रहे हैं। 88 वर्षीय रसूल बख्श चजारा इस उम्र में नमाज और रोजा रखने के साथ साथ किराने की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। रसूल बख्श के कुल 3 संतान है। कम आयु में ही रसूल बख्श की पत्नी का देहांत होने के उपरांत रसूल बख्श ने ही अपनी 3 संतानों का पालन पोषण किया और उनकी परवरिश की। तो सोएब नासिर हुसैन चजारा जब 5 वर्ष के थे तब से ही नमाज पढ़ रहे हैं और 8 साल की उम्र में रोजा रखना शुरू कर दिया। मेरा नाम रसूल बख्श है। जब से बालिग हुआ, जब से रोज़ा रखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अजान देता हूँ, तिलावत कलाम पाक की कर रहा हूँ। इबादतों, रहमतों, फजीलतों, बरकतों का महीना माह रमज़ान का इस्लाम के अंदर बहुत अधिक महत्व है। इसी महीने के अंदर पवित्र पुस्तक कुरान पाक नाजिल हुई। इस महीने के अंदर सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं।